अरे कोई है? अरे भाई कोई है? कौन हो तुम? कौन हूँ? अरे क्या कर रहे हो? कौन हूँ मैं? अरे माँ, इस बंगले का भाड़ा लेने आया हूँ। कौन हूँ मैं? इतने गिरे हुए हैं ये भाड़े के मकान में रहेंगे? तुम गलत दरवाजे पे आए हो। जाओ पहले नाम पढ़ लो, फिर अंदर आना। जाओ। अरे तुम तो ऐसे अकड़ रहे हो जैसे इस बंगले के मालिक तुम ही हो। हाँ? दया सागर जी। अरे दया सागर जी। दया सागर से बात करो। दया सागर जी। अरे दया सागर जी। अरे ये आदमी कौन है? मैं भाड़ा मांग रहा हूँ तो इतनी अकड़ दिखा रहा? वो हमारे ससुर है। ससुर? अच्छा अच्छा। थोड़े सी पागल। मुझे लगा ना। अच्छा मेरा भाड़ा। अब वो दया सागर जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा। अब जाइए, वो खुद आकर आपको किराए दे जाएंगे। पक्का ना? पक्का। तुम बच गए गुस्ताख, क्योंकि हमारा दामाद बीच में आ गया, वरना तुम्हारी गर्दन वहां कटी पड़ी होती और तुम्हारा धड़ यहाँ पर पड़ा रहा होता। यहाँ पर? मुझे लगा। क्या लगा? ये हंसा क्यों? मैंने इसको धमकी दी, हंसा क्यों? राजा साहब, वो थोड़ा सा पागल है। मुझे लगा। लगा ना? लगा। ये है कौन? दरअसल क्या है, हमारे पास बहुत सारे बंगले हैं, मकानात है, बिल्डिंग्स हैं, उसको उन सब का किराया वसूल करने के लिए रखा है। पागल को किराया वसूल करने के लिए क्यों रखा तुमने? नहीं नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था, मगर हमारे पास बहुत ज्यादा जायदाद है ना, उन सबका काम संभालते 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 पागल हो गया बेचारा। मगर है बड़ा वफादार नौकर। अब वफादार नौकर को निकाले कैसे है? आप ही बताइए। नहीं 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 ना, ऐसा निकालेंगे तो कोई भी मरे। मगर राजा साहब, आपके पास ये भैंस, हाथी, घोड़ा, मुर्गियां कितनी होंगी, कुछ अंदाजा है आपको? जी, वो सब किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, क्या है कि हम आपकी ये सब जमीन, जायदाद, खेत जरा देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं? लेकर के लिए? बस यू ही। अच्छा, आप इधर ही ठहरिए, हम एक मिनट में आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मालिक, मालिक। क्या है? आप आ गए मालिक, कब आए? अभी अभी आया हूँ, पर तू इतना उछल क्यों रही है? वो कहाँ है मेरा? मेरा कौन? तेरा? वो रंगा। रंगा? कौन रंगा? ओ रंगा, उसे मैंने किसी काम से बाहर भेजा है। कब आएगा? आएगा जब काम खत्म होगा तो आएगा, जब वो आएगा तब तू चली आना, अभी जाए से जल्दी चलो। नमस्ते। नमस्ते मालिक। मालिक, 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 मालिक। तू यहाँ भागा भागा क्यों चला आया? वो मेरा ससुर है ना। ससुर? तेरा कौन ससुर? भी मेरा मतलब है वो नामदेव उर्की वाला। हाँ तो वो मुझसे मेरी जायदाद, मेरी जमीन के बारे में पूछ रहा है और उन्हें देखना चाहता है। देखना चाहता है? हाँ। और तू इस बात से घबरा कर यहाँ चला आया? हाँ मालिक। तुझसे मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था मालिक? कि यहाँ कभी मत आना, अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरा सारा मामला चौपट हो जाएगा। हाँ, मगर ये तो बताइए कि मैं उसे डालूं कैसे? डालूं कैसे? हाँ, तू एक काम कर। हाँ। उसे यहाँ शहर से बाहर ले जा। वहां चारों तरफ खेत ही खेत है। हाँ। वो सारे खेत उसे दिखाकर झूठ मूठ कह देना कि वो सब हमारे हैं, मामला टल जाएगा। समझ गया? सारे हमारे खेत हैं। ठीक है मालिक, लेकिन अगर उस खेत के मालिक ने पूछा तो कह देना कि नामदेव पागल है। और अगर नामदेव ने पूछा तो कह देना कि खेत का मालिक पागल है। सब पागल है। ठीक है मालिक। मालिक चल भाग यहाँ से, दोबारा कभी दिखाई मत देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कसम तिजोरी की, जमाना बड़ा खराब। चल भाग यहाँ से। देखिए ससुर जी, इस पेड़ से लेकर उस पहाड़ी तक जितनी जमीन है सब हमारी है, सब। और ये? ये जमीन, ये भी हमारी है। ये भी हमारी है? अच्छा, और ये मजदूर किसके हैं? वो मजदूर हमारे हैं। अच्छा, हमारे हैं। अच्छा, ये जमीन हमारी है। हाँ। ये भी हमारी। हाँ। है, तो ये बीच में सड़क कहाँ से आ गई? ये हमने हमने बनवाई। हाँ। जनता की भलाई के लिए, राजाओं का धर्म है जनता की सेवा करना। ये तुम नहीं, तुम्हारा महान खून बोल रहा है। शाबाश मेरे दामाद, हम खुश हुए, तुम्हारी जमीन हमें पसंद आई, जायदाद पसंद आई। वाह वाह वाह, आज से जमीन की चिंता करना तुम्हारा नहीं, हमारा कर्तव्य। आपका? हम जरा मजदूरों से मिलकर आते। अच्छा, नहीं 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 नहीं,
बाद में चलिए। चलो सुनिए, देखा कितना अन्याय हो गया। अन्याय किसके साथ? सीता के साथ। सीता के साथ किसने किया? ये तो ऊपर वाला ही जाने, पर अन्याय हो गया। राम का नकली रंग बाहर आ गया। कैसे? नकली राम को लाकर सीता के साथ जोड़ दिया। हा? ये देखिए। ओ, तुम इस राम की बात कर रहे थे? फिर आप क्या समझे? कुछ नहीं। देखिए, अगर आपको एतराज ना हो तो बाजार जाकर राम की नई मूर्ति ले आए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, चलो। एक मिनट, मैं अभी आई। ठीक है ना एजेंडा? यहाँ देख, अभी अभी एक आदमी गाड़ी से उतरकर सीधे उस दुकान में गया है। वो बिल्कुल तेरे रंगा जैसा दिखता है। चौधरी, हाथ मत लगाना, ये राजा साहब की गाड़ी है मालूम? राजा साहब? हाँ, हाईनेस महाराज राम प्रसाद ज्ञानेश्वर जी हैं। और उनके साथ वो लड़की कौन है? वो लड़की हर एक्सलेंसी है। मतलब? मतलब उनकी धर्म पत्नी रानी साहिबा। उनका घर कहाँ है? घर गांधी रोड पर, बहुत बड़ा बंगला है। देखो साहब आ रहे, हट हट हट। रंगा, 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 तुम कहाँ चला गया था? रंगा वहाँ जाकर अपने चंदा को भूल गया? ये लड़की कौन है और तू अचानक जमींदार कैसे बन गया? रंगा कौन? रंगा हाथ छोड़, कौन बदतमीज लड़की? क्या? मैं बदतमीज हूँ? तू मुझे नहीं पहचानता? पागल हो क्या? पागल हूँ? गाड़ी में बैठकर तेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे कहता है मैं पागल हूँ? बेईमान होके बात, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे पता करूंगी कि चंदा क्या है। अरे ओ रंगा, अरे ओ नकली जमींदार की औलाद, बाहर निकल, बाहर आ रही छोकरी की तरह मुंह छुपा कर क्या बैठा है? मरता बच्चा है तो बाहर आ, आता क्यों नहीं? क्या बात है, कौन हो तुम? ओए होए होए, ये महारानी मुझसे पूछती है मैं कौन हूँ? पहले तू बता, तू कौन होती है मेरे और रंगा के बीच में आकर मेरा हाथ छीनने वाली? अरे ओ रंगा बेमुरब्बत, तेरी आंखों का पानी इतना मर गया कि अपनी चंदा को भी भूल गया? ये सब क्या है जी? तुम फिक्र मत करो, हम देखते हैं इसको, तुम अंदर जाओ। क्या ये आपकी पहली पत्नी है क्या? जी जी बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रही हो, वो तो पागल है। तूने फिर मुझे पागल कहा? चंदा रंगा की दीवानी है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन चंदा ये नहीं जानती थी कि रंगा भी उसे दीवानी कहकर दूर करने लग जाएगा। ए गोरखा, जी शेफ, बाहर निकालो इस लड़की को। कौन है ये? वहाँ बाजार में भी शोर मचा रही थी, यहाँ घर तक भी पहुँच गई, और ये आपको रंगा क्यों कह रही है? कुछ नहीं, हमने कहा ना पागल लड़की है, रास्ते में जो आदमी नजर आता है उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे पति हो। बेचारी, उसे रोता देखकर मेरी आंख भर आई, लगता है रंगा नाम के किसी आदमी ने उसे प्यार किया, धोखा दिया और चला गया। हो सकता है, जाने लोग दूसरों का दिल तोड़कर जी कैसे लेते हैं। नाटक जी, मतलब ये दुनिया है, यहाँ अजीब अजीब नाटक होते हैं, अजीब अजीब नाटक करने पड़ते हैं। हो सकता है उसका रंगा भी किसी नाटक में फंस गया हो। खैर, हमें से क्या, तुम चलो अंदर।